पीपल एंड थिंग्स कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन दोनों के बीच में. चीज़ें अपनी जगह हैं और लोग अपनी जगह हैं. सो इन शॉर्ट, रिश्ते या मटेरियलिस्टिक चीज़ें. मटेरियलिस्टिक चीज़ें आज के ज़माने में बहुत अवेलेबल हैं. कंज्यूमरिज्म इंडिया में आ चुका है और लोग कंज्यूमरिज्म की नज़रिए से ही एक दूसरे को देखते हैं. आप ज़िंदगी में, आपके पास क्या है? मर्सिडीज़ है, मारुति 800 है. आपके पास घर है, फ्लैट है. आप कहाँ रहते हैं, कौन सी लोकेलिटी में रहते हैं, आप कौन से ब्रांड्स पहनते हैं, इसको मटेरियलिज्म कहते हैं. रिश्ते क्या हैं? वो अपनी जगह हैं. कभी किसी ने सोचा है कि इंडियंस ने इतना अच्छा अपने लिए सारी दुनिया में क्यों किया, अपना नाम कैसे बनाया? वो रिश्तों के बलबूते पे बनाया. वो कैसे? जो रिश्ते हैं वो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देते हैं, आपको एक स्ट्रेंथ देते हैं. जो इंडियन फॉर्म ऑफ लाइफ है, जो जॉइंट फैमिलीज थी इंडिया में और अब भी कई फैमिलीज के अंदर वो जॉइंट फैमिलीज हैं, वो एक स्ट्रेंथ देते हैं, वो एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं कि आप ज़िंदगी के अंदर अकेले नहीं हैं. जब हम ये फैमिली सिस्टम इंडिया के अंदर, ये जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है इंडिया के अंदर या एशिया के अंदर, कंपेयर करते हैं विद वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स, वेस्टर्न लोग हो सकता है कई और स्ट्रेंथ्स उनके अंदर हों, बट डेफिनेटली जो रिश्ते हैं वो उनकी ज़िंदगी में नहीं है. हाईएस्ट डिवोर्स रेट है, बच्चे पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं, पेरेंट्स सबसे पहले पेरेंट्स बनते ही नहीं, और अगर बनते हैं तो टीनेज ईयर्स के अंदर वो खुद ही बच्चों को निकाल देते हैं. एक रिश्ता बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंटल साइकी के लिए. वो मेंटल साइकी आपको एक स्ट्रेंथ लाता है कि आप ज़िंदगी में एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पे आप बहुत स्ट्रांगली खड़े हो सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, करियर कर सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं. बट अगर ये रिश्ते ही नहीं हैं तो फिर ये प्लेटफॉर्म नहीं है. और फिर क्या है, एक इंसान अपने जब बड़ा होता है तो वो शादी करता है तो वो शादी टूट जाती है, बच्चों को संभाल नहीं पाता, और वो रिश्ते से रिश्ते एक दूसरे से, मतलब एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में डलते हैं, दूसरे से तीसरे रिश्ते में डलते हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट उनको मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिलती. अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर ये वेस्टर्न कल्चर सीप कर रहा है, जहाँ पे हम रिश्तों की अहमियत नहीं समझ रहे और पैसे को या मटेरियलिज्म को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. हो सकता है मैं इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करती हूँ क्योंकि मैं बाहर की कंट्रीज़ में पढ़ी हूँ और मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि इंडिया में क्या अच्छा था जो बाहर की कंट्रीज़ में नहीं था. और अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ हम लोग इंडिया में खो रहे हैं. मटेरियलिज्म क्या है? अगर आप खुद इस दौड़ में नहीं पढ़ना चाहते तो हो सकता है आपके हस्बैंड, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप आपको इस दौड़ में लगा देते हैं. उनको देखो उनके पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है. उनको देखो किस किस्म के कपड़े पहनते हैं. हम लोगों को देखो, कुछ भी नहीं हमारे पास. कंपैरिजन करना, देखें आपके अंदर सर्टन क्वालिटीज़ हैं, आप यूनिक हैं. वो यूनिक सेलिंग क्वालिटीज़ वो दूसरे में नहीं हो सकती. सो ऑटोमेटिकली उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि अगर रिश्ते छूट गए तो मटेरियलिज्म भी हाथ में नहीं आने लगी. क्योंकि जब आप कमाते हैं तो किसके लिए? किसी के लिए तो कमाते हैं. आप किसी के लिए इंजॉय करना चाहते हैं वो जो आपने कमाया है, वो कार, जो खूबसूरत कार आप बात करते हैं, वो उसको उसके अंदर किसी को बैठाना चाहते हैं. अपने लिए तो कोई भी नहीं कुछ करता, दूसरों जो आसपास आपके लोग हैं उनको. रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. एक मिनट के लिए अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को हम छोड़ देते हैं, हम बिजनेस की बात करते हैं, हम करियर की बात करते हैं. आपको लगता नहीं कि करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत है? आपका रिश्ता आपके कोवर्कर्स के साथ, आपका रिश्ता आपके बॉसेस के साथ, आपका रिश्ता खुद के साथ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. कॉन्टैक्ट्स बिजनेस में भी ज़रूरत है और करियर में भी ज़रूरत है. एक अच्छा रिश्ता आपकी पर्सनल लाइफ में आने के लिए भी सोशल स्किल्स की ज़रूरत है. और ये सोशल स्किल्स तब लाते हैं जब रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट आप करना जाने. और अगर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं है तो फिर मटेरियलिज्म भी प्ले एक रोल नहीं करता. मटेरियलिज्म इज बेसिकली
एक क्रेडिट पे मटेरियलिज्म है। अगर आप इंडिया में देखें तो क्रेडिट से हम चीज़ें खरीदते हैं। एक्चुअली जो इंडिया की मिडिल क्लास है वो इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर पाती। जो लोग अमेरिका के अंदर आज लोन के नीचे हैं, चीज़ें खरीद खरीद के नए कपड़े, नई चीज़ें, नई जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, वही कल्चर आज इंडिया में आ गया है। जब इंसान के पास आज पैसे नहीं हैं तो कल कहाँ से आएंगे उस लोन को पे करने के लिए। सो बॉटम लाइन इज, रिश्ते परमानेंट हैं, चीज़ें सेमी परमानेंट हैं। रिश्तों की कोई अहमियत आप तोल ही नहीं सकते किसी के साथ। जो आपकी चीज़ें हैं वो आपको शुरू में प्लेजर देती हैं, बाद में आपको प्लेजर नहीं देती। एंड आई विल कोट समथिंग फ्रॉम द भगवद गीता, उसमें लिखा है, अंडरलाइंड, मनी एंड मटीरियलिज्म कैन नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस। मतलब जैसे पैसा और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं ला सकती, बट एक प्यार भरा रिलेशनशिप, एक छोटा बच्चा, उसकी हंसी, उसका रोना, उसकी ज़िद करना, एक अच्छे पति के साथ एक रिलेशनशिप, एक अच्छी पत्नी के साथ एक रिलेशनशिप, और ख़ुद से सवाल करना, क्या मैं एक अच्छा बेटा हूँ, क्या मैं एक अच्छा पति हूँ, क्या मैं एक अच्छा बाप हूँ, क्या मैं एक अच्छा एम्प्लॉई हूँ, ये सारे सवाल आपके सामने हैं। और इन सवालों को अगर आप जवाब देते हैं तो रिश्ते ऑटोमेटिकली आपकी गोद में गिरते हैं। और ये लेडीज़ के लिए भी है, क्या मैं एक अच्छी बीवी हूँ, क्या मैं एक अच्छी बहू हूँ, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ, क्या मैं एक अच्छी नानी हूँ, दादी हूँ, हर रिश्ते से तोलना, तो रिश्ते ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। जो आप ज़िंदगी में लोगों को देते हो वही आपको वापस मिलता है। अगर आप मटेरियलिज्म में बिलीव करते हैं तो आपके हिस्से में सिर्फ मटेरियलिज्म ही आएगा, रिश्ते नहीं आएंगे, प्यार नहीं आएगा, इमोशंस नहीं आएगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको ग्रो करने के लिए।